बात पे डर रहते जो हमारा लोग त्याग देते आदर करे जो त्याग ओते स्नेह ठीक पास नहीं कर सके एक संगे हम कहब जे मिथिला मैथिली के प्रति हम सब दिल्ली में रहिए अहू सब के बहुत ग्रामीण दिल्ली में हता हम कार्यो में रही तो ओठा अगर केओ मैथिल आवेत हता या आवेत रहे तो उनका पूछ लें कि कतौ भेल अगर बिहार के बाद उनका टोन बता दै छै हिंदी के जे कतौ का छै जहिना कहथिन कि हम सहरसा या दरभंगा के छियै तऽ सीधा के मैथिली बाजे आबैए मैथिली बाजू में उनका लागत है कि एकदम बिल्कुल वो खिल उठे रहती अरे मैथिली दोनों भाषा से है वैज्ञानिक एकर सिद्ध क्या चुके है कि मैथिली सबसे प्रिय होना तो दोसर से कही गए लेकिन अपना से रखवा तक कहिए थी कि सबसे मधुर भाषा से कौन चीज के लग जाए आज तो सब ये देश के सर्वोच्च कंपटीशन से प्रतियोगिता परीक्षा से ओना मैथिली मान्य थे तो फिर मैथिली बाजे में मैथिली सीखे में मैथिली के गुणगान करे में क्यों भी चाहिए आज एहन तरह के धनी धरती और इस संदर्भ में एक बात और बहुत सीधा सीधा बात मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल के रूप में व्यवहारिक रूप में आज सरकार बेटा और बेटी एक किस अभियान की दोनों के समानता से हालांकि एक आवश्यकता कोई बात नहीं से अहम पौराणिक प्रमाण से विद्या समस्ता सर्वे विभेदा इसलिए समस्ता सकला जनसु तो मातृत्व शक्ति से देर के तो कोई शक्ति नहीं थे लेकिन धर्म और पति एक गांव के पति इन पुत्र रत्न का उत्पन्न कर दी ये बड़ काम न हो मैं सब ये याद ये बेटी के महत्व और यही था हम खबर को उपस्थित थी हम बहुत प्रसन्न थी इस बात से कि व्यवहारिक काम है क्या बात है थे हम कारण बहुत बाबू से कि पुबार पार और पचवार पार कोसी बांध जैसे कोसी बांध के पश्चिम से हम गए थे पचवार पार और कोसी बांध है कि पूर्व सब से थे पुबार पार और हमारा सब के भाषा मैथिली होना था जना बारी थी या मैथिली थी मैथिली में रहना जे बाजी ऐसा मैथिली मैं कतौ ही तक नहा चाहिए लेकिन तथापि कतौ कतौ झिझक होइ छै आइ बात के जान के कि कविश्वर संगा झा का एहन पुत्र रत्न के जन्म दे वाली माता हमर पुरवार पार के रहत औला हम सब जगत थी ए धरती का बार बार नमन करे छी हमर सौभाग्य कि हम उपस्थित रहना हम निवेदन करब कि वेशभूषा जहन हुआ लेकिन घर में मैथिली बाजू हृदय से बाजू बेझिझक बाजू और मैथिली मिथिला के प्रति समर्पित रही हम एक तक कम संक्षिप्त समय में चर्चा करे थे अखन हम सब भोगेंद्र जी के बात कलिये हमारा किसी समय के लिए अच्छा कवि जी के सान्निध्यता प्राप्त किया और उनका सम्मान तैयार थी हम बुझ चुकी है कि एहन जो सुंदर भूमि ओतौका ई विभुत किया इलाका इस बेसी सौभाग्यशाली के हेता इनका तो सौभाग्य किया हम सब ऐसा गदगद थी कि हमारा सबके सौभाग्य भेटल कि अ बड़ गांव में देखियो कतेक बड़ा संयोग से कि अ गांव के पहले जो उत्सर्ग लागल थे जड़ वह पर बड़प्पन और विशालता के प्रतीक थे इलाका तो निस्संदेह अ गांव के प्राचीन संस्कृति बहुत ही मतलब लागे कि एकदम सोच विचार के व्याख्याना के दृष्टि से अ गांव के नाम राखल गए हैं बड़ गांव ये बड़ पहने लागे थे उत्सर्ग के रूप में बड़ पहने लागे थे जितना हमारा ज्ञान या ओकर अर्थ विशालता और बड़प्पन थे तो बहुत बहुत धन्यवाद हम कह चाहते हैं ऐठा विद्यापति धाम में जन विद्यापति धाम की अवधारणा भले निसंदेह देवनाथ यादव उपस्थित है इन हृदय से हम नमन करे निर्बाजी सब भगन रही कृष्णा जी हमारा जोड़ लेते ओठा भौगोलिक देख कर सब लोग एक रंग नहीं रहे थे सबके अलग अलग अपन विचार रहे थे ओठा गला के बाद आ हम देखलिए कि अठम का जो स्थिति से एक किस संरक्षण प्राप्त हुआ जहिया उद्घाटन है ओठा हम देखलिए कि एक शिवलिंग राखल रहे चूंकि जो ओठा उनकर
छे ओ महादेव के पूजा करे वाला प्रतिमा छे तो हम कुछ लिए सोलेंद्र से की करब कि कल के एकरा राख देबे हम कल सो के सका तो कल के हां हम कल नहीं ई तने हता तो अब संभव कोना छे हम कल सब महादेव पर संभव छे एकर व्यवस्था हम करे छे ओ ठा उगना महादेव के स्थापना के रूप में आए सांस्कृतिक में आए धार्मिक स्थल के रूप में और अगर कोनो दिन एक दिन में कोनो दान के धाम पर हम निकलिए है तो लक्ष्मी आज है कि एक दिन में दान से धाम के रूप में परिवर्तित भ गेलै तो निस्संदेह सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक धार्मिक इस सब के कतो न कतो हम समन्वय हते हम पूर्णता के प्राप्त हते हम बुझ रहल छियनि जे बहुत संचालन करता के अनुशासन में रह पड़े छे एले पुनः हम आभार व्यक्त करे छी कि हमरा समय आदमी के सौभाग्य प्राप्त भेल कि आ धरती पर आवे के लेल हम पुनः अहाँ सबक अभिनंदन करे और आभार प्रकट करे छी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद 15-20 मिनट बिमल बाबू हमरा सबके बीच गंगा नदी जकाँ बहलन पता चल गए अन्वेषको हम इनका एक आध बात हिनके बात के कोट करत बढ़ जाए ठीक वास्तव में गाँव आ जे पार ऐठा चल आबे सब भ जाए विद्वान यह गाँव ठीक जै गाँव में शादी करब बाबू तहाँ बड़ भ जाब सब बड़ कहत ए कवि जी के देख लियो देखे में बड़ छोट छथिन कते कमिश्नरी के रगड़ दे छथिन तो धन्यवाद ए मिनट के ठीक गाँव लेकिन ऐ जगह विवाह करब तहाँ बड़ गाँव भ जाब एक बात दोसर डॉक्टर रमानंद बाबू से हम सब महसूस करे छे जहिना चंदा झा के हम सब गोटा स्मृति मना रहलौं हैं आबई वाला समय में रामानंद बाबू के वह स्थिति है लगातार बैंक में काज करे छल पदाधिकारी छथि लेकिन संपूर्ण बिहार में जते लोग विधा साहित्य से जुड़ल छथि ओ सब गोटा के एक माला में विभिन्न फूल जकाँ पुरोबैत दिन राति लिखित रहे छथिन पता नहीं हिनकर अब 51वां किताब पुरलन कि नहीं पुरलन रामानंद बाबू हमेशा इससे जुड़ल रहे एक रात में हमरा ये जानकारी दिलन हमरा सबसे जो मैथिली में बाजा आबे हम सब हमेशा एक ग्रामीण में रहे थी जे दरभंगा मधुबनी में खूब मैथिली चले छे तो इलाज खोल दिलन कहलखिन हे यो दरभंगा मधुबनी में तो हमहू रहे थी हमरो घर इंद्रे या पुबारे में दरभंगा महाराज जते विद्वान छला ओ टाइम में उस सब विद्वान के अपना नगर में बसा लेलन दाके लाके तो ई सब जते दरभंगा मधुबनी में विद्वान गेला उस सब गोटा हम ही रही उस सब गोटा हम ही रही आब हुनका सबके बार बार बजा हमू सब मैथिली में निपुण हो ई काज में हम सब लागल छी धन्यवाद 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 बहुत बहुत आभार एकदम उद्घाटन सत्र अंतिम करीब समय गया छी और जना की बहुत रास गप भेल पवार पार पछवार पार पिंडा रोड से सरवर हो धा अन्नधारी शिष्य भेड़े के लेकिन प्राय जना हम पहले कहने छोड़ो बरगाम हम वो पहल दे रही थी अबार अफसर से थे लेकिन वो से जो शुरू हो रही क्षेत्र से बलिया बरसान बरगाम बतनाहा कहीं से चुना थी और ऐ क्षेत्र के एक तो विद्वान मधुबनी जैसे मैथिली अध्यापन के लिए और निरंतर विभिन्न कॉलेज में रहे विभागाध्यक्ष पद से मैथिली विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होते थे साहित्य अकादमी परामर्श मात्र समिति में रहे थे मैथिली साहित्यिक सेवा में लागल रहे थे संजय जी जहाँ सोही सोही कहीं भी हमसे बच कर थे अध्यक्षा के लिए सर वक्तव्य के लिए हम डॉक्टर नरेश मोहन झा जी का आमंत्रित करें डॉक्टर नरेश मोहन झा जी नरेशो मोहन बाबू अही गांव के बड़
चलू बड़गांव के देखियो ई सब गोटा हिमा के बर छथि ते ई बड़गांव है नरेश मोहन बाबू आ अपन मुखार बिंदु से गंगा बसना हेलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय मंचस्थ मैथिली साहित्यक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान संपादन कलाक सिद्धस्ताचार्य डॉक्टर रमानंद झा रमन जी मिथिला साहित्यिक सांस्कृतिक समितिक अध्यक्ष डॉक्टर हेमचंद्र झा जी सभागार में उपस्थित समस्त सुधिजन हम अपना के यही समारोह में उपस्थित होबाक योग्य नहीं बुझैत छी हमरा लगे ये आयोजक लोकनिक अहेतुक स्नेह हमरा ई सम्मान प्रदान कयलनि एहि गाम सँ गत 50 वर्ष सँ हम सम्बद्ध छी और आइ जे ई कार्यक्रम भऽ रहल यऽ ताहि लेल ई गाम अति उपयुक्त अछि एहिठाम महाकवि कविश्वर चंदा झा जी जन्म भेल छलनि 20 जनवरी 1831 ईस्वी के एकर कारण अछि जे ई गाम ताहि समय विद्या आ वैभव दुनू रूप सँ अत्यंत समृद्ध गाम छल किएकि हमरा बुझल अछि एहि गामक कतेको कन्याक विवाह पिलखवार राटी मंगरौनी कोयलक आदि गाममे भेल छलै और ताहि समय बड़गा के संबंध दरभंगा मधुबनी के विभिन्न नीक नीक गाम में होइत छलै और वैवाहिक संबंध चलैत छलै एहि अवसर पर सर्वप्रथम हम गंगा बहत जनिक दक्षिण दिश पूर्व कोश की धारा पश्चिम बहत गंडकी उत्तर हिमवत बल विस्तारा अमृता हेमरा बागमती कृतसारा मध्य बहत लक्ष्मणा प्रवृत्ति सेठिक मिथिला विद्यागारा एहन लिखनिहार कवि कुल कुमुद कलाधर कविश्वर चंदा झा प्रति हम अपन श्रद्धा सुमन समर्पित करै छी चंदा झा जन्म पिंडारुच में अवश्य भेलनि मुदा हुनक शिक्षा दीक्षा बर्गे में भेल छलनि पंडित गिरिवर नारायण झा हिनक मातामह छलथिन हुनके सानिध्य में हुनक स्नेह और आशीर्वाद में ई संस्कृत में साहित्य और व्याकरणक गंभीर अध्ययन कयलनि ताहि समय बड़गा में बड़गा सँ ईशान कोण आ बसनही सँ नैऋत्य कोण में एक अग्द्वारी नाम के पाठशाला छलै जे पाठशाला वृद्ध वाचस्पति के द्वारा खोलल गेल छलै और उ पाठशाला में अनेक विद्वान एहिठा शिक्षा ग्रहण कयलनि हमरा जनैत बड़गाम के एखन जे लोक छथि संभवतः हुनको ज्ञात नहि छनि एहि गाम में कते न्यायी कते वैयाकरण कते साहित्यक विद्वान संस्कृत के भेल छला तकर शायद ज्ञान नहि छै एकर कारण कि हमरा लोकनि में अन्वेषण करबाक लालसा नहि रहैत छै जे भऽ गेलै नहि तऽ आइ धरि एहि गामक बड़गाम के इतिहास नहि लिखल गेलै या तऽ ध्यान पर लोक के नहि एलै
या कोनो एहन परिस्थिति हेते जे कारण एकर इतिहास नहीं लिखल गेले। चंदा झा मात्र एठा शिक्षक ग्रहण नहीं कैलन, ओ समस्त जीवन अबैत रहला जायत रहला एठान चंडिका स्थान सोनवर्षा राजा के ठाम नोक पत्ता में ओ जायत छला। ओठा से हाथी से ओ गाजी पत्ता आयल छला और भगवती चंडिका के दर्शन कैलन। ओठा के जे पाथर पर तिरहुता लिपि में लिखल छे किछ बात तकर ओ जिक्र अपन पोथा में कैलन। ये चंदा झा कोनो बात सुन के पढ़ के नहीं लिखे छला, ओ समस्त मिथिलांचल में भ्रमण क के जे देखे छला अपना आँख से तकरे ओ ओहिमे लिखे छला। एठा के एक ता दोहा ओ लिखलन ये जे हम कहे छी, ओ लिखलन ये जे हम जे बड़गाम में रहे छलों ओहिठाम बोस से अनेको गाम एक संग छे। पता नहीं की कारण छे जे बोबे पर एक रंग कतेको गाम ओहिठा छे। लिखलन बरसम बरेठ बस नहीं बेलेठ ओ बड़गाम बलिया बरीबन बतनहा श्री वाचस्पति धाम। श्री वाचस्पति धाम पाठशाला द्वारी निकट बुआरी बुधाम नाम यह गाम है भारी। और वो बराबर एक पर वो उनका ध्यान में छलन जे एतेक गाम एके ठा बो पर किएक छे तकरा में वो अन्वेषण करे छला। हो सके ये कतौ लिखने हेथिन ओ जते कतौ जात ओकरा ओ टिपैत रहे लिखैत रहे और टिपोत के एक ता पोथा बना दलन। आ एहन अनेको पोथा हुनकर छलन जे कतेको ठाम एखन पसरल छे। आवश्यकता छे हुनक अनुसंधान के ओहि काज के देखवा के लिखवा के किया कि इतिहास लिखवा के हुनक प्रबल इच्छा छलन मिथिला के इतिहास। ओहि समय में 1905 ईस्वी में जयपुर से मैथिल हित साधन पहिल पत्रिका निकलल छले। ओहिमे ओ लिखलखिन संपादक के लिखल जाए मिथिला इतिहास नहीं हो ताही में शिथिल प्रयास विषय विशेष हमहू लिख देव स्वप्नहु एक टाका नहीं लेब। इतिहास लिखवा के प्रबल इच्छा रहन ते सब ठाव घूमत छला। एते ते कि डॉक्टर ग्रियर्सन जे मिथिला पर अनेक काज कैलन ओहिमे चंदा झा के सहयोग हुनका बहुत भेटलन। ओ अपन मैथिली ग्रामर में ओ एक ता लिखने छथिन पंडित चंदा झा हुम आई नो वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड पर्सन इन दैट पार्ट ऑफ इंडिया। बड़ा हुनकर प्रशंसा अनेको ठाम लिखने छथिन जे चंदा झा सन मेधावी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति आ अन्वेषण कला के निष्णात आचार्य बहुत कम लोग भेल छथि से हुनका विषय में लिखने छथि चंदा झा के विषय। चंदा झा अब साहित्यिक अवदान साहित्य के क्षेत्र में हुनक जे रचना है से बहुत महत्वपूर्ण छला। संस्कृत के पंडित ओ चाहते तो भ सकैए संस्कृते ग्रंथ के अनुवाद संस्कृत में कह सकैत छला किया कि ओहि समय में संस्कृते लिखनिहार संस्कृते बजनिहार आ संस्कृते पढ़निहार पंडित कहावत छला। मैथिली जे बजे ओ तो बुझे जे घर के भाषा ठीके देहाती भाषा है ओकरा पंडित नहीं बुझे। मुदा चंदा झा के मातृभाषा के प्रति ततेक अनन्य अनुराग छलन जे ओ जानकी के भूमि में जानकी के भाषा में मैथिली में ओ मिथिला भाषा रामायणक रचना कैले। और वही रचना में ओ देख राम सीता और राम के गुणगान कैलन जे मिथिला के संस्कृति के ओहिमे अनेको ठाम चित्रण कैने छथिन। भाषा अत्यंत सरल सुबोध छे जना हुन एक पाँति सुनू जे लिखलखिन ये हा रघुनाथ अनाथ जखा हम दसकंठपुरी हम आयल छी सिंहक त्रास महावन में हरिनीक समान डरायल छी। देवर दोष कहू कि हम अपने अपराध से कायल छी
जनक जनक अब जननी अब जननी जनक जनक जननी अपनी रघुनंदन प्राणेश देवर लक्ष्मण हमर छथि नैहर मिथिला देश। हुनक ओ जे लिखलनि तऽ सब पहिने जब मैथिलीमे लिखऽ लगला जे हाल छलै विद्यापतिके सएह हाल हिनको शुरूमे भेलनि। विद्यापति ओहि समयमे जे राग ताल लयाश्रित कोमलकांत पदावलीक रचना कयलनि ओ 500 वर्ष धरि मिथिलामे चलैत रहल। हुनकर अनुसरण अनेक कवि लोकनि करैत रहला चलैत रहल। पहिल कवि चंदा झा भेला जे लोक भाषामे लोक जीवनके समस्याके प्रस्तुत कयलनि। न्यायक भवन कचहरी नाम सब अन्याय भरल कैठाम महगी के भुखमरी के समाज में पसरल भ्रष्टाचार के यानी साहित्य के राज प्रासाद से राज महल से निकाल के जन जन के बीच में मैथिली कविता के लिया जे निहार एकमात्र पहिल कवि ओ चंदा झा भेला। तैं मैथिली के मूर्धन्य विद्वान आ सर्वाधिक श्रेष्ठ समीक्षक प्रोफेसर रमानाथ झा मैथिली साहित्य में दुइये टा युग मानलखिन ये विद्यापतिक युग चंदा झाक युग। किया तो जतेक बात भेले विद्यापति धरि एक बात रहले कविता में और चंदा झा जे शुरू कलखिन ओकर अनुसरण ओहिठा से परंपरा प्रारंभ भ गेले और तै के बाद भुवनेश्वर सिंह भुवन जात्री जी सुमन जी अमर जी अनेक कवि होइत गेला और कविता के रचना होइत रहले और कविता जे वर्गीय छले से सामान्य व्यक्ति के बीच में कविता पसर गेले और सामान्य व्यक्ति के जे दुख दर्द रहे तकर व्यंजना ओ कविता में साहित्य में होबे लागले। तो हमरा कहबाक तात्पर्य रहे जे पहिल कवि भेला जे अपन विद्वता पर ध्यान नहीं देलनि जे हमरा समाज में लोग विद्वान कहे हमर प्रतिष्ठा पर है हुनका एकमात्र मातृभाषा के प्रति अनन्य अनुराग छलनि। ताहि कारणे ओ अपन पहिने हुनका जे कविश्वर कहल गेले पहिने एक वक्ता कहने छै कि कविश्वर के अर्थ हो रे भाट तो ओ जे रचना कयलनि सह हुनका कते लोग व्यंग में कहैत छलनि मुदा ओ तेहन बात लिखलनि जो ओकरा वही शब्द के सिद्ध कह देलखिन। कविश्वर के मतलब है छै कवि ईश्वर अर्थात अलौकिक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कवि और एकरा संपूर्ण समाज मान लागले जे कविश्वर चंदा झा मैथिली साहित्यक एक जनक मानल जा लगला और हुनके से मैथिली साहित्य के नव दिशा भेटले। एके बाद इतिहास के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में अन्वेषण के क्षेत्र में ई बराबर कार्य करत रहला और कखनो बिना लाभ लोग यद्यपि रहला राजाश्रित राजा के दरबार में रहला लक्ष्मीश्वर सिंह और महाराज रमेश्वर सिंह के राज पंडित छलथिन मुदा कविता के राजाश्रित रहने पर ई लोकाश्रित बनबैत रहला और जनजीवनक सफल चित्रण हिनकर रचना में भेले। आए अवसर पर हमर एक अपने सबसे आग्रह और सबसे बेसी आयोजक युवा वर्ग में आयोजक छथि हुनका में ऊर्जा छनि आई बड़ा नीक आयोजन कर रहल छथि। ऐ संग संग ऐ बात पर अगला जे आयोजन हुए ऐ पर ध्यान देल जाए जे कविश्वर चंदा झा जे अनुसंधान कयलनि पहिल अध्याय शुरू हुए बड़गांव गांव से बड़गांव गांव के संबंध में वो कौन कौन बात लिखलनि कत गेला की सब हुनका सब लिखल छै खोज करे पड़ते किए तो वो सब पोथी जत्र तत्र सर्वत्र पसरल छै ओकरा चुनाव चुने पड़ते जाय पड़ते सब ठाम। हमर एठा मंचस विद्वान डॉक्टर रमानंद झा रमन जे अन्वेषण के काज करैत रहै छै तन बड़ा और
हिनक मार्गदर्शन में कतेको गोटे कतेक काज कयने छथि, तैं एहिले ई बहुत उपयुक्त व्यक्ति छथि जिनका एहिपर रिसर्च करब इच्छा होय जे चंदा झा के कतौ कोन चीज लिखलखिन यऽ तो ओहिठाम के बता देथिन और ओहिठाम से ओकरा उपलब्ध कयल जाय। एहिमे हमरो लोकनि के जे सहयोग हेतै ओकरा हमरा लोकनि करब, किया तो पहिल काज छै जे चंदा एहिसँ पहिने जाहि आयोजन नहि होइत छलै बहुतो लोक के चंदा झाक विषय में अपना एहिठा बुझल नहि छलै जे चंदा झा एहन भारी विद्वान भऽ गेल। एक बेर के गप यऽ जे सुभद्र बाबू के डॉक्टर सुभद्र झा के जयंती मनायल जाइत छलै कतौ, हमहुँ छलहुँ ओहिठाम सरसों पाही में, तो हुनक बालक कहलखिन हुनका जब बाजल कहल गेलै कहलनि हमरो नहि बुझल रहै तऽ हमर पिता एते बात लिखलखिन यऽ, कदे पर ध्यान नहि देला से बात उतरि जाइ छै। और एक बात हमरा लोकनि के मन राखा पड़त कि समाज के अतीतक सांस्कृतिक गौरव प्रेरणाक स्रोत होइ छै, वर्तमान के संघर्ष व्यक्ति के साधना होइ छै और भविष्य के स्वप्न प्रगति के पद चिन्ह निर्मित करै छै। तैं प्रेरणा हमरा लोकनि अतीत से प्राप्त करी और प्रयास वर्तमान में करी और प्रगति भविष्य में करी। प्रेरणा प्रयास प्रगति एकर संतुलित रूप जखन हेतै तखने वही समाज के विकास हेतै। हमरा लोकनि अपना जो संस्कृति का बिसरि जाय अपन भाषा का बिसरि जाय तो हमरा लोकनि के अधा पतन भ जाय, सांस्कृतिक विकास जहिना रुकले ओ समाज नष्ट भ जेतै। तैं चंदा झा के आयोजन पर हमरा लोकनि हुनक काज के ओ जे मिथिला भाषा रामायण लिखलनि, वातावरण लिखलनि, चंद्र रचनावली लिखलनि, चंद्र पद्यावली लिखलनि, लक्ष्मीश्वर विलास लिखलनि और अनेक हुनक मरणोपरांत सेहो कतेको पोथी प्रकाशन में आयल छै। मैथिली अकादमी हुनक संग्रह के कयने छै। तो ओ निष्णात कर्मयोगी छला, एक सन्यासी जकाँ अपन जीवन के व्यतीत कयलनि और राज दरबार में रहे राजा के सर्व साधन संपन्न रहे ओ एक सामान्य व्यक्ति के जोगी के तरह जकाँ अपन जीवन के व्यतीत कयला। तैं ए अवसर पर समय बहुत भ गेल, हम अपने लोकनि श्रोता लोकनि सँ जे बैसल छी धैर्य पूर्वक सुनलहुँ, हम अपने सभक प्रति आभार व्यक्त करै छी और ए गाम के हम नमन करै छी, किया तऽ कविश्वर चंदा झा के जन्म तऽ भेलै और ए गाम के संस्कृति के आइ आब जे भ गेल होय पूर्णा एकर संस्कृति बहुत उज्ज्वल छलै और प्रेरणादायक रहे। ई हास्य में एक बात कहै छी, एहिठाम जकर विवाह भ जाय बुझे जे बड़गाँव हुनकर विवाह भ गेलै, वाह बड़ा भाग्यशाली छला बड़गाँव विवाह भ गेलै और बड़गाँव गाँव के लोक कहै जे हुनका से ओते पाई लेथिन तऽ हमरो से लेथिन, बड़गो वाला से ओते पाई लेथिन। ई सब रहै ओहि समय में गाम के रहै किछु बात एहन रहै। आब एखन की भेलै से हम नहि कहब, लेकिन ओहि समय में आइसँ 40 वर्ष 50 वर्ष पहिने धरि बड़ा प्रतिष्ठा रहै गाम के, बड़ा नीक नीक लोक एहि गाम में भेला और ओहि समय में जेहन भेल हेता तैं हम अपने सभक प्रति आभार व्यक्त करै छी। और हेमचंद्र बाबू जे मिथिला संस्कृत साहित्यिक संस्कृति परिषद के बात कहलनि ओ जते बात कहलनि से कमे कहलनि, हमरा दृष्टि में चेतना समिति के छोड़ के मिथिला में कोनो सांस्कृतिक संस्थान ओते कार्यक्रम आयोजन नहीं करे छै जते मधुबनी में मिथिला साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान समिति कऽ रहल छै। तहिना लगैए आबे वाला समय में ई बड़गाम में सेहो पैघ पैघ आयोजन होयत, किएक तऽ आजुक कार्यक्रम के देख के हमरा बड़ा प्रसन्नता भेल जे युवा वर्ग के उत्साह और श्रोता ग्रामीण लोकनि के भारी उपस्थिति आइ के तिथि में बहुत नहि रहै छै। हाँ आवश्यकता छै जे आगू जे कार्यक्रम होय ओकरा एना कहल जाय जे ओकर समय सीमा किछु कम कयल जाय,
किया तो 1 बजे 12 बजे श्रोता भरल छे उत्साह से, समय बेसी भ गेलै। आब कवि गोष्ठी हो वाला छे, बड़ा सुंदर प्रोग्राम हेतै, नीक नीक कवि लोकन उपस्थित छे, बड़ा प्रसन्नता है हुनक काव्य पाठ के सोला से। एही शब्दक संग एक बेर पुनः कविश्वर चंदाधार प्रति हम अपन श्रद्धा सुमन समर्पित करै छी और अपनो सभक प्रति हार्दिक करै छी। हेलो, उद्घाटन सत्र के हम एत आह्वान कर अतिथि लोकन से आग्रह जे अहसा के बहुत लोग मिथिला कोण-कोण शहर के भेड़ से सुनलन आ मूड में छा सब दर्शक दीर्घा में बैसी अग्रिम पंक्ति में और हमारे सबसे सुन के जाए सुन के जाए घूम रहे कृपया सभागार में स्थान ग्रहण करी। मिथिला भूतक शंख धैर्यक बोल रहा आसन मागल ने छीन जाए इतिहासक सिंहासन सुनता से दर्शक दीर्घा में आसन ग्रहण करवा नम्र निवेदन बेर बेर निवेदन जो आसन स्थान ग्रहण करो बिना कोनो विरोध तक हम चले कवि गोष्ठी के पास और आज कवि गोष्ठी में हम मंच पर आमंत्रित कर रहे थे मधुबनी से आए भाई अजीत कुमार आजाद जी का भाई अजीत कुमार आजाद जी मंच पर आवे मधुबनी से आए दिलीप कुमार झा जी मंच पर आवे सुपौल से आए रघुनाथ मुखिया जी मंच पर आवे मधुबनी से आए दीप नारायण विद्यार्थी जी मंच पर आवे मधुबनी से आए नारायण जी झा मंच पर आवे अगर मिले प्रोफेसर अरविंद मिश्र नीरज जी मंच पर आवे सुश्री स्वामी साकंबरी मंच पर आवे सहरसा से आए श्री शैलेंद्र सोनी जी मंच पर आवे मंच पर आवे आदरणीय गीतकार श्री नवल किशोर मिश्र जी प्रणव कुमार मदन जी मधुबनी से आए